बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या है ये केमिकल काइनेटिक्स, समझने की कोशिश करते हैं। सुनना मेरी बात, हमें एक फिजिकल का चैप्टर दिया गया है, क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर, और ये बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर दी गई है तो कितने समय में कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे चलो जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस आपको कराने के बाद मैं आपको थोड़ा सा रेट के बारे में आइडिया लगाऊंगा। रेट का मतलब किस स्पीड से होती है, रेट और का मीनिंग क्या होता है। तो और उससे पहले मैं क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शंस। आफ्टर दैट मैं आपको डिस्कस करूंगा इस जगह रेट यानी वेलोसिटी यानी स्पीड। ये सब एक ही वर्ड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, जब आप ये बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शंस आप पढ़ते जाएंगे तो आप इसी के साथ पढ़ेंगे रेट के बाद रेट लॉ। तो ये रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शंस हमारे लिए चलेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन हम इस पर डिस्कशंस करेंगे। क्लियर है? तो जब हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा रेट रिलेशंस। रेट रिलेशंस यानी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग रेट्स होगी, उनके बीच में क्या रिलेशंस होगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेट रिलेशंस के बाद हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बन के आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी, थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे इसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो जब आप कैलकुलेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे तो किसी रिएक्शन की ऑर्डर जीरो होगी, किसी की वन होगी, किसी की टू होगी, तो उसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड nth ऑर्डर रिएक्शंस, ये हम बेसिक सब चीजें करेंगे। फर्स्ट जीरो, फर्स्ट सेकंड nth ऑर्डर। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड रेट कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड रेट कांस्टेंट। हम यहां ये डिस्कस करेंगे रेट एंड रेट कांस्टेंट। इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी वो सारा हमारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेन रहेगा वो रहेगा हमारा सीक्वेंस एंड पैरेलल रिएक्शंस, सीक्वेंस एंड पैरेलल रिएक्शन। और उनकी प्रॉपर्टीज, तो ये सारा हमारे पास एक एक पॉइंट रहेगा। सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप जब स्टार्टिंग करेंगे लास्ट तक आपको आना है, और फिर अपन जो असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट डिस्कशंस और मिसलेनियस एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास
क्या चीज मेन रहेगी, लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी रीड अबाउट, इन विच वी रीड अबाउट ट्रांसफर रेट ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इन विच वी रीड अबाउट ट्रांसफर रेट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट, प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी रीड अबाउट दिस 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 इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक. तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ केमिकल काइनेटिक का. आज आपके पास एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो किस रेट से होगा, कितना टाइम पे होगा, इस टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी वन, टी इक्वल टू टी टू, यहाँ जो कन्वर्जन होगा वो सारा हमारे लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा. रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी ये तो आप थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन फलाना फलाना रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. अगर पॉसिबल है तो कितनी देर में क्या बनेगा, ये केमिकल काइनेटिक का पार्ट हो गया. बिल्कुल, टी टी इक्वल टू जीरो पे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन हुई नहीं तो बनेगा कहाँ, टी इक्वल टू टी वन पे कितना बनेगा वो हमें देखना है. टी इक्वल टू जीरो पे तो क्या दिया गया है उस पर हम कमेंट करेंगे, टी का मतलब टाइम. तो ये तो हमारे पास हुआ बेसिक सा कि क्या है. अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, सेकेंड हेडिंग. तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन. लेकिन उससे पहले अगर आप चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो, केमिकल काइनेटिक. केमिकल का मतलब, केमिकल का मतलब रिएक्टेंट से मतलब है. अमाउंट, और काइनेटिक का मतलब कन्वर्जन या मूवमेंट या कन्वर्जन इन प्रोडक्ट. ऑब्वियसली प्रोडक्ट में ही होगा या जिस सब्सटेंस में होगा उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट. यानी कि सिंपल सा है, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी. तो हटा रहा हूं मैं. अगला पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन. हमें ये देखना है कि किस तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस को करना शुरू करें एक एक करके. देखिए अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन होंगे यहां पर. यानी फर्स्ट हम बात कर सकते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. बहुत आसान है. अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक. यानी हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी. ये आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट, और ये पोटेंशियल एनर्जी, पी ई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और ये कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स सही है.
एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है प्लस हीट भी चेंज लिबरेट कर रहा है, तो इस जगह आप कि रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हाँ या ना, कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ, हीट रिलीज होगी। तो बताइए, हीट इज कंजर्वेशन क्वांटिटी, यस और नो? नो, एनर्जी इज कंजर्वेशन क्वांटिटी, हीट तो है ही नहीं। तो यहां पर केमिकल एनर्जी, सॉरी, हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में, जबकि यहां केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? हीट में। ओवरऑल एनर्जी इज कंजर्व क्वांटिटी। तो कभी भी अगर आप ये सोचो कि सर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हीट कंजर्वेशन क्वांटिटी है? नहीं, हीट कंजर्वेशन क्वांटिटी नहीं है, एनर्जी इज द कंजर्वेशन क्वांटिटी। यानी कोई भी दूसरी एनर्जी हीट में चेंज हो रही होगी या हीट किसी और एनर्जी में चेंज हो रही होगी, ये दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा और है, ये तो हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक और हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, और वो होता है हमारे लिए होमोजीनियस हेटरोजीनियस। होमोजीनियस हेटरोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब हो रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर इन सेम फेस। लिख लीजिए, रिएक्टेंट डेफिनेशन क्या होगी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर इन सेम फेस। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर इन सेम फेस। यहां रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आर इन नॉट सेम फेस, नॉट सेम फेस और डिफरेंट फेस। अगर मैं बात कर रहा हूं H2 प्लस Cl2 ट्वाइस HCl, ये होमोजीनियस है, लिख ही रहा है होमोजीनियस, और मैंने CaCO3 को डिकम्पोज करा, CaCO3 को डिकम्पोज किया, CaO प्लस CO2 बन रहा है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये कैसा हो जाएगा? हेटरोजीनियस। अमोनिया फॉर्मेशन कौन सा है? होमोजीनियस। N2 प्लस थ्राइस H2 फॉर्म्स ट्वाइस NH3, होमोजीनियस। कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट, ग्रेफाइट कन्वर्ट इन कार्बन डायमंड, अलग अलग फेज है या नहीं है? कौन सा होगा? हेटरोजीनियस, लिखा ही हेटरोजीनियस के नीचे। तो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन नहीं है। मेन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, स्लो मीडियम फास्ट। तो देखिए, हमारे लिए जो केमिकल रिएक्शन है हमने तीन तरह से करा, स्लो, मीडियम, फास्ट। भाई देखिए, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई मॉलिक्यूल पहले बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने में कभी भी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम होता है? बॉन्ड टूटने में। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई रिएक्शन में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो बहुत रिएक्टेंट का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत धीमे रिएक्शन होगी, और वीक है तो मीडियम होगी, और पहले से ही टूटा हुआ है जैसे आयनिक में टूटे होते हैं तो फास्ट होती है। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड रिएक्टेंट्स गिव्स स्लो रिएक्शन। लिख लो डेफिनेशंस।
स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड रिएक्टेंट गिव्स स्लो रिएक्शंस, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ एन टू, एन टू में बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है, प्लस थ्राइस एच टू, एक भी रिएक्टेंट में हो गया तो बहुत है, क्योंकि वही स्लो कर देगा पूरी रिएक्शन को, फॉर्म्स ट्वाइस एन एच थ्री, स्लो रिएक्शन, एन टू प्लस ओ टू ट्वाइस एन ओ, स्लो रिएक्शन। हाँ, अगर यही स्लो रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो तो हो सकता है थोड़ी फास्ट रिएक्शन हो। तो मैं सिंपल है, मीडियम फास्ट, मीडियम रिएक्शन यानी मॉडरेट रिएक्शन क्या होगी, इफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड रिएक्शन, जितने भी भले ही सिग्मा एक ही बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग ही होता है, डबल बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, तो वीक कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन उससे कोई मतलब है ही नहीं, वांडरवाल और हाइड्रोजन ही वीक होते हैं, उनके तोड़ने से केमिकल रिएक्शन होती भी नहीं है, तो जितने भी बॉन्ड है वो सब स्ट्रांग ही हैं केमिकल रिएक्शन में, समझ में आ रहा है। तो मीडियम का मतलब क्या होता है, इफ स्लो रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन दे कॉल्ड मीडियम रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? तो अगर मीडियम है, इफ स्लो रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन दे कॉल्ड मीडियम रिएक्शन, तो इनको हम कहाँ रख देंगे, मीडियम रिएक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में बॉन्ड ही नहीं हो, सिर्फ प्रोडक्ट बनते हो, तो आपको पता है कौन से मिलेंगे, आयनिक, आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस मीडियम आर ऑलरेडी डिसोशिएटेड इन आयन्स। तो लिखिए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम तो एक्वस मीडियम में तो वो उसमें कोई है ही नहीं, आपको सिर्फ बॉन्ड फॉर्म होना है, और बॉन्ड फॉर्म होने में तो कहीं पे भी टाइम नहीं लग रहा, सिर्फ डिसोशिएट में लगता है। तो आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम, सो देयर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, एंड एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है एक्वस, सॉलिड की बात नहीं कर रहा, एक्वस, तो NaCl एक्वस में कैसे रहेगा, Na प्लस Cl माइनस, और AgNO3 है वो कैसे रहेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। तो ये AgCl PPT बना लेता है फटाफट, नीचे सॉलिड बना के बैठ जाएगा धीरे धीरे करते हुए, सॉलिड तो हाथों हाथ बनाएगा, बैठने का काम धीरे हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो गई, तो AgCl बना यानी कितनी देर में हो जाएगी, 10^-12 सेकेंड। अब आप सोच सकते हो बॉन्ड बनने में तो टाइम वैसे ही नहीं लगता, AgCl बना और NaNO3 बन जाएगा, ये एक्वस ही रहेगा, ये सॉलिड नहीं बन रहा। तो आयनिक रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट, सो स्लो रिएक्शंस आर वेरी स्लो, दिन महीने रात सालों लग जाते हैं कई बार रिएक्शन को पूरा होने में। और अगर यही रिएक्शन, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ N2 प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म अमोनिया, और मैंने मॉलीबेडनम कैटलिस्ट लिया और थोड़ा टेम्परेचर हाई रखा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और इतनी भी नहीं होगी कि इस कैटेगरी में जाए, और इतनी स्लो भी नहीं रहेगी इस कैटेगरी में जाए, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, मीडियम फास्ट। जो रिएक्शन 10^-12 सेकेंड में होती है वो मैं देख नहीं सकता, तो ये टॉपिक मेरा आगे नहीं जाएगा। और जो रिएक्शन 10-20 साल में हो रही है या 10-20 महीने में हो रही है, वो भी मैं नहीं देख पा रहा, इतना कौन पेशेंस रखता है।
ये भी मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की कौन सी रिएक्शन है? मीडियम फास्ट रिएक्शन। कोई दिक्कत आ रही है आपको समझ में? तो ये रिएक्शन हमें अब आगे लेके जाएगी, हमें इन्हीं को पढ़ना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा कि हमें क्या पढ़ना है। लिखें इसको।